हाँ जी, हमारे बच्चों के साथ रचित भैया क्या कर रखा आपने? क्या कर रखा है? चीनू ने दिया सरप्राइज, दिखाओ क्या है। नू वेखिया नी मैं ता वेखदा ही रह गया, अग वे प्यार वाली सेखदा ही रह गया। Hey guys, welcome back to my channel. Good morning guys. धूप में आग भी नहीं खुल रही है। और ये देखो मैं जा रही हूँ सैलून में, मैंने अपनी ये सैलेड काट ली है, इसको मैं गाड़ी में बैठ के खाऊंगी। क्योंकि आज कितने दिन बाद धूप निकली है? हफ्ते बाद, कम से कम 7-8 दिन बाद। पर आज बिल्कुल अच्छे वाली धूप है, और दिन वैसे निकलती थी लाइट धूप, बिल्कुल ऐसे आज तो आंख भी नहीं खुल रही धूप में। मस्त है, मजा आ जाए ना। तो मैंने अपना सारा सामान ले लिया, मैंने अपना चश्मा भी ले लिया। कई बार मेरे को दिक्कत रहती है फोन वोन छेड़ने में, तो मैंने अपना चश्मा ले लिया। आज पहली बार मैंने सारी चीजें पकड़ी है अपनी, वरना कभी चश्मा कभी कुछ मैं भूल ही जाती थी। और ये मैंने अपने लिए काट ली थी खीरा और वो शलगम। ठीक है, चलूं मैं बाय। तो मैं 2 दिन बाद सैलून जा रही हूँ, 2 दिन से अमन नहीं आया था तो मैं इसलिए नहीं गई थी। ठीक है, तो चलो भाई चलते हैं। चीनू भाई ओके बाय बाय। हमारे बच्चों के साथ रचित भैया क्या कर रखा आपने? क्या कर रखा है मुझे नहीं पता। ये हमारे बच्चे इतनी जिद करते हैं, रोते हैं रचित भाई के लिए कि हमको मिलके आना है, कल से स्कूल खुल रहे हैं। इसने मेरे को 4 पर्ची दिखाओ, ये एड्रेस भी लिख के रखा हुआ है देखो आपके सलून का। 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ मैं, ये देखो। 1 घंटे से क्यों ढूंढ रहे? नंबर भी डिस्प्ले होगा ना? नहीं, नंबर नहीं दिया इसने। ये इतनी फैन है भाई, बस उसके बिना सारे ब्लॉग देखती है, सब कुछ करती है। ये तो कुछ बोल ही नहीं रही। और मैं बर्थडे पर भी आई थी। बर्थडे पर गाड़ी की डिलीवरी पे? अच्छा, आपके साथ वीडियो भी इसकी? हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है, आ रहा है मुझे ध्यान। तो अभी क्या करना है? मिलना है रचित भैया। आप इनका मैसेज ना रचित सर तक पहुंचा दो, ताकि वो इनके साथ वीडियो कॉन्टेक्ट कर सके। ठीक है, देखो हमारे सैलून में आने के लिए इतना तो फायदा होना चाहिए। साथ में आऊंगा, ये देखो ठंड में सिर्फ रचित जी से तो वीडियो कॉन्फ्रेंस। भैया से मिलवाओ एक बार, फिर मैं 2 महीने तक कुछ नहीं बोलूंगी आपसे। अच्छा, ना बर्गर खाएगी ना कुछ भी नहीं खाना इसने, बस रचित भाई से मिलना। फोटो है मेरे पास रचित भाई की, इसके साथ ठीक है। तो गाइस मैं घर पर आ गई हूँ, और देखो आते ही चीनू ने मेरे को एक सरप्राइज दिया है। चीनू ने दिया सरप्राइज, दिखाओ क्या है। पहले तो ये देखो इसके ओठ, बताओ इसने क्या लगा रखा है। मैंने होममेड लिप बाम बनाई, देखो दिखाओ तो किसमें डाली है बना के। तो अभी चीनू दिखा रही है, ये देखो, दिखाओ ना इधर अब। देखो ये ओठ पे लगा रही है अपने, देखो ये तो बिल्कुल वैसा हो गया मैरून टाइप। तो मैंने 10 बार लगा लिया। दिखा मुझे, दिखा, तू लेट करवाएगी, मेरे को खाना भी बनाना है। तो गाइज ये देखो चीनू ने बनाई है लिप बाम, और ये कोई डब्बी थी मामाअर्थ की। ये खाली हो गई थी। ग्रीन टी बिना चश्मे दिखता भी ना, डे क्रीम। ओ भाई ये इसने इसमें थी वैसे, तूने खाली करी है ना, बगा दी इसकी। तो मैंने सारे अपने हाथों पे लगा ली। तो भाई रिजल्ट तो अच्छा है इसका, मैं भी लगाऊंगी अभी, मेरे होठों पे लिपस्टिक लगी है क्योंकि। तो चीनू को देख लो, ठीक है। अगर किसी को ये मतलब बनानी है तो चीनू से जान लेना चीनू ने कैसे बनाई। मैं नहीं बताऊंगी। चीनू तुझे बताना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगी। बताना पड़ेगा। नहीं बताऊंगी मैं, पक्का देख लेंगे। तो भाई ये दोनों देखो हीटर के आगे सिकाई कर रही हैं अपनी, ठंड तो नहीं रही है, बोन फायर कर रहे हैं। ठीक है करो। मम्मा मेरी जैकेट, ओह आज मैंने पहनी है। पता है इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, चीनू वीडियो दिखाओ, रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग दिखाओ, दिखाओ चीनू रिकॉर्डिंग दिखाओ। रिकॉर्डिंग मैं
मैंने बोला था ना कि अगर मेरी तरफ से नेगेटिव कमेंट आएंगे तो मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगी, पर अगर अभी तू मान ले नहीं तो मुझे नेगेटिव कमेंट नहीं आया ना, नहीं बोला रिकॉर्डिंग दिखाओ। मैं बोलते रहूं मैंने आज पहनी है क्योंकि उस दिन वाले क्योंकि चिन्नू ने इतने टाइम तक मेरी पहनी तो मैंने दो दिन में ही अपना बदला निकाल लिया। जल्दी बोल, उस दिन पहनी थी? बोला था दो दिन में ही बदला निकाल लिया। सुन लिया गाइस, इसने पहनी थी, झूठ तो मैंने मान तो लिया ना। है ना, ठीक। बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी बात माने, अनलाइक चिन्नू। लाइक चिन्नू, चिन्नू नहीं मानती। मैं कल स्कूल जाऊंगा मम्मा। क्यों? डाउट क्लास। तुझे भी डाउट आते हैं? गिरेगी पागल, क्या है ये? और फिर इसको खींच रही है जैकेट को, पागल दी। डाउट पूछने जाएगी या सोल्व करवाने जाएगी? या टीचर से पूछेगी आपका कोई डाउट है? पूछूंगी कि आपको मेरे अंदर कोई डाउट है, बस इसीलिए ही जाऊंगी। ठीक है, तो मुझे कितने बजे उठना होगा? 7:30। ओके, तो मुझे टाइम से सोने दो। गुड नाइट। गुड नाइट। पहले मेरा व्लॉग बनवा, उसके बाद व्लॉग बन जा। तो गाइस सोने दो मुझे, गाइस हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे। गाइस सोने दो मुझे, सोचो गाइस। मेरे को आज लोरी सुननी है। लल्ला लल्ला लोरी, मम्मी की कटोरी। नहीं, दूध की कटोरी, दूध में पताशा, मम्मी करे तमाशा। सही थी ये तो। एक और सुनाओ, एक और सुननी है। एक ही आती है मुझे, एक वो सुना दे। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, ये लो, वो नहीं है, लोरी नहीं है। अरे कहानी तो ललबाई, ललबाई सुनाओ, ललबाई। लुलबाई मुझे नहीं आती। लोरी को बोलते हैं इंग्लिश में। अच्छा। बनेगी इंग्लिश की मैडम? कौन क्या, कौन बने इंग्लिश की मैडम? चीनू जी। चीनू सोच रही है मैंने कब बोला। जुकाम हो गया। ये देखो क्या पहन रखा है। सही है, ठंड भी नहीं लग रही होगी। ये कल वाली ठंड से ना काफी लोग बीमार हुए हैं। कल वाली ठंड से मैं भी बीमार हो गया, पर मैं बच गई, मुझे नहीं हुई ठंड। मैं बेशक ठंड लग रही थी, पर मुझे नहीं लगी ठंड। मुझे भी नहीं लगी ठंड। हाँ, पर मेरे को ना, मेरे को जब लगी थी एक महीना पहले जब ठंड स्टार्ट हुई तब मेरे को बहुत तेज वाली लगी थी, और जब ठंड जाती है ना जब भी मुझे होता है जुकाम बहुत तेज वाला। जब तो मुझे भी लगी थी, जब आपको ही। हाँ, तो गाइस चलो बातें तो ऐसी चलती रहेंगी, इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करने जा रही हूँ। गुड नाइट, टाटा बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर सब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल फिर से एक नए व्लॉग के साथ। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय। वेख्या नी मैं तो वेखदा ही रह गया, अग वे प्यार वाली सेखदा ही रह गया।